अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मुझे सालन बनाना था। मैंने अंडे मंगवाए हैं, तो आप अंडों का हाल देखें ज़रा। ये अंडे मेरे पास पहले रखे थे फ्रिज में, ये फ्रिज वाले अंडे हैं जो मेरे पास रखे थे मैंने सालन के लिए, पानी में डाले। ये देखें, ये 6 के 6 अंडे पानी में डूब गए। और फिर मैंने दुकान से ये 6 अंडे फिर मंगवाए हैं। ये देखें आप, इक्वल साइज़ के अंडे हैं और इसमें से एक भी पानी में डिप नहीं हो रहा। ये इस तरह के लग रहे हैं बिल्कुल प्लास्टिक के अंडे, जैसे बच्चों की बॉल होती है जो पानी में नहीं जाती। ये देखें, मैं आपके सामने डाल रही हूँ। ये देख, ये ऊपर आया, ये दूसरा भी ऊपर आ गया, ये तीसरा भी ऊपर आ जाएगा, ये चौथा भी, और ये पांचवा, और ये हो गया छठा। अब ये देखें नाजरीन, अगर हम ये वाले अंडे प्लास्टिक के अंडे, मतलब हम बच्चों को प्लास्टिक की चीज़ें खिलाएंगे और इस तरह की चीज़ें खिलाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? ना बच्चे पढ़ने काबिल रहेंगे, ना बच्चे कुछ करने के काबिल रहेंगे। हम टैक्स भी भरेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? किसी चीज़ का ख्याल नहीं कर रही है। हर चीज़ हमारे बच्चों को नकली मिल रही है, अंडे भी अब नकली आने शुरू हो गए। मुर्गी तो थी इंजेक्शनों वाली, अब अंडे भी हमारे बच्चे प्लास्टिक के खाएंगे। अब देखें अब क्या होगा इसका। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ कर लें, वरना हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सबको दिखाएं। और ये गुलशन इकबाल 10A से मैं बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A से। और ये हर शॉप पे हैं ये अंडे, अगर कोई रोक सकता है रोक ले। मेरी आवाज़ जिसको भी जा रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को बचाएं इन चीज़ों से। पहले मुर्गी में बहुत सारी बीमारियां आ रही थी, अब ये अंडे ये प्लास्टिक के हो चुके हैं। अब ये सोचें, ये बच्चों का क्या होने वाला है? मतलब हमारी तो हड्डियाँ ख़राब कर दी हैं हमारी हुकूमत ने, नकली चीज़ें खिला खिला के। हर हड्डी से हमारी आवाज़ें आती हैं, लेकिन अब बच्चों का क्या होने वाला है? ये अब आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, और इसको आगे शेयर करें। थैंक यू।